गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 3 पार्ट डाले थे। कल नहीं डाला था, आप लोग का कोई कमेंट लाइक कुछ नहीं आया, यहाँ तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं डाला था। अब हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो इसकी जानकारी का तो अभाव है, मतलब कि पूरी तरह से नहीं पता है कि वहाँ पे कैसी राजनीतिक स्थिति थी, लेकिन संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा। मतलब कि पहले पूजा पाठ ज़्यादा होता रहा था, तो इसका मतलब शासन पुरोहित पंडित जो होते हैं पुजारी, उस वर्ग के पास में शासन रहा होगा, मतलब ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, मतलब एक ही प्रशासन व्यवस्था रही होगी, आजकल की तरह नहीं है कि कईयों का शासन होता है। ओके, सामाजिक स्थिति, मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। मात्र सत्तात्मक का मतलब ये होता कि पहले माँ के नाम की जाति लगाई जाती थी, मतलब कि माँ घर की मुखिया होती थी, इसलिए मात्र सत्तात्मक कहा जाता था। संयुक्त परिवार होते थे, मतलब मिलजुल के लोग रहते थे। समाज संभवतः 4 भागों में बटा हुआ था, मतलब जो समाज है उसको 4 भागों में कैसे बांटा गया था, आइए देखते हैं। पहला था पुरोहित वर्ग, पुरोहित मतलब पूजा पाठ करने वाले मंदिरों में, वो लोग थे। दूसरे थे व्यापारी, जो व्यापार करते थे। तीसरे थे किसान, जो खेतों में काम करते थे। और चौथे थे श्रमिक वर्ग, जो कि श्रमिक मतलब कि और मजदूरी का काम करते थे। बड़ी मात्रा में, अब विशेषताएं देख लीजिए क्या हैं। बड़ी मात्रा में मात्र देवियों की मूर्ति मिलती है, या शांति प्रिय लोग थे। शांति प्रिय हम कैसे पता लगाया था, क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं, मतलब बंदूक तो खैर तब थी ही नहीं, या जो भी औजार बनाए जाते थे, तलवार वगैरह जो भी थी, वो कम मात्रा में मिल रहा है ये सब। यानी कि वहाँ पे शांति प्रिय थी, ऐसी लड़ाइयाँ होती ही नहीं होंगी। पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे, मतलब पहले पुरुष भी श्रृंगार करते थे, महिलाएं तो करती ही थी, और जवाहरात पहनते थे। लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, जैसे कि आज भी है। शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे, क्योंकि तब इतना विकसित तो नहीं था, तो शतरंज खेला करते थे वो लोग, और मुर्गे की लड़ाई करवा के वो लोग खेला करते थे। अंतिम संस्कार की तीनों विधियों का प्रचलन था। अंतिम संस्कार मीन्स जब कोई मर जाता था तो 3 विधियों का प्रचलन था, मतलब 3 विधियों को अपनाया जाता था। पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान, दाह संस्कार। ये किस में विश्वास करते थे? आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, मतलब कि इनका मानना था कि आत्मा तो खैर होती है ही, लेकिन ये मानते थे मतलब कि डेड बॉडी को सुरक्षित भी रखते थे लेपों से, कि आत्मा जो है वो लौट के आएगी और बताएगी, मतलब उसका पुनर्जन्म भी होगा। पुनर्जन्म तो खैर होता है, बट वो ऐसा विश्वास करते थे कि आत्मा लौट के भी आती है शरीर में। लोथल से 3, अब ये पॉइंट नोट करिएगा, लोथल से 3, मतलब लोथल जो जगह थी वहाँ से 3, और कालीबंगा से 1 युग्मित शवाधान मिलता है। युग्मित मतलब कि युगल, यानी कि हस्बैंड वाइफ।
ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लोकल लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित शवाधान मिलता है। धार्मिक स्थिति कैसी थी? प्राकृतिक, बहुदेववाद में विश्वास करते थे, पुरुष एवं महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। मतलब देवताओं की तो मूर्तियां मिलती हैं लेकिन मंदिर नहीं बनने आरंभ हुए थे। ये अंधविश्वासी थे, मतलब कि अंधविश्वास में पड़ते थे, जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। उनका मानना था जादू टोना करके हम किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है कर सकते हैं, या किसी पे मानते थे कि किसी को जादू किया हुआ है, क्योंकि ये लोग अंधविश्वासी थे ना, इसलिए बलि प्रथा में विश्वास करते थे। मतलब इनका मानना था बलि देने से सब कष्ट दूर होते हैं। कालीबंगा से हवन कुंड भी मिला है, मतलब कि कालीबंगा से हवन कुंड मिलने का मतलब है कि वहाँ हवन भी होता होगा कालीबंगा में। ये व्रज पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था, मतलब मेडिटेशन का भी ज्ञान था, कसरत का भी ज्ञान था। मोहन जोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आद्य शिवा का चित्र मिलता है। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। मोहन जोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आद्य शिवा का चित्र मिलता है, मतलब मोहन जोदड़ो से क्वेश्चन आ सकता है कि मोहन जोदड़ो से नहीं, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि आद्य शिवा का चित्र मिलता है, ऐसी मोहर कहाँ से मिली है? तो आप क्या लिखेंगे? मोहन जोदड़ो। ओके। और इन्हें पशुपति नाथ कहा है, किसने? जॉन मार्शल ने। किसको? आद्य शिवा का चित्र जो है उसे। ओके। आर्थिक स्थिति मतलब कमाई का कैसा था? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, मतलब कृषि करके लोग कमाते थे। अधिशेष उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था। अधिशेष उत्पादन होता था मतलब उत्पादन करते थे तो बड़े बाजार और शहरों में बेच आते थे। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थीं। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था, लेकिन अपवाद क्या है? लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर उत्तर हड़प्पम स्थल है। शोरतू गई अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। ऑक्सिस रिवर के किनारे है अफगानिस्तान में। कौन सी जगह? शोरतू गई। धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। ये पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे, मतलब इनको किसको पालना पसंद था? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली। ये ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। ऐसा नहीं कि तब होते ही नहीं थे ऊंट, घोड़ा, हाथी, बट ये उन लोग को पहचानते नहीं थे, उनको कोई नाम नहीं दिया गया था। विदेशी व्यापार होता था। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेलुहा कहा गया है किसको? तो क्या लिखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को। फिर पूछा जाए अगर कि किस अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, तो सारगोन अभिलेख में। मेलुहा मतलब होता है नाविकों का देश। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है।
कपास की विश्व में प्रथम खेती कहाँ हुई थी? भारत में। दिल मून बहरीन व आयन ओमान मध्यस्थ का कार्य करते थे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु एक्सचेंज भी कर लेते थे एक दूसरे से। किसी को जैसे मान लिया हमें ज़रूरत है दाल की और आपके पास चावल है, तो आपने चावल दे दिया, हमने आपको दाल दे दी, ऐसे एक्सचेंज भी कर लेते थे। ये सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा टिन और कांस्य का प्रयोग होता था। बालाकोट पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं, यानी शंख का बिजनेस होता था बालाकोट पाकिस्तान से। लिपि मतलब लिखावट, लिखना, इन्हें लिपि का ज्ञान था, मतलब लिखना जानते थे। ये भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब ऐसे लिपि थी जो लगता था चित्र बने। ये दाएं से बाएं को लिखी जाती है, अभी हम लोग क्या करते हैं बाएं से दाएं को लिखते हैं, लेकिन ये लोग दाएं से बाएं को लिखते थे। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहते हैं। इसमें कितने भाव मिलते हैं? 375 से 400। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, मतलब अभी तक कोई पढ़ नहीं पाएगी लिखा क्या है। मूर्तियां एवं मोहरे, यहाँ से तीन तरह की मूर्ति मिली हैं, धातु की, पत्थर की, मिट्टी की, टेराकोटा जिसे कहा जाता है। कन्फ्यूज मत तो ये कर, टेराकोटा मतलब मिट्टी की, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति धातु की। ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिल रही है? मोहनजोदड़ो से। किस चीज में बनी है? धातु में बनी है। तैमाबाद से क्या मिला है? धातु का रथ। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, नोट डाउन करते रहिएगा। टेराकोटा की मात्र देवियों की मूर्तियाँ मिली हैं। ज़्यादातर मोहरें शैल खड़ी की बनी हैं, ज़्यादातर मोहरें चौकोर होती थी। मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की द्योतक होती थी। मोहरों पर एक सिंगा एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा, मतलब एक सींग वाला गेंडा मोहरों पर ज़्यादा मिला है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त होती, यानी कि व्यापार बहुत होता होगा तो मोहरों मोहर लगी मिली हैं। ओके, मोहरें मिली मतलब व्यापार के लिए यूज़ करते होंगे ना। कुबड़ वाला सांड का चित्र भी मिला है। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? ख़त्म कैसे हुई? गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हील के अनुसार उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। एसआर राव, सर जॉन मार्शल व मैके के अनुसार बाढ़ आ गई थी। जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता आ गई थी। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु का परिवर्तन हुआ था। यू आर कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा आई थी। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रूप बदल लिया, मतलब रूप क्या, कोई ये नहीं कि मेकअप करके हम लोग रूप बदल लेते हैं तो उससे कह दिया रूप बदल लिया। नदियों ने रूप बदल लिया मतलब कि नदियां विकराल हो गई या सूख गई, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, निष्कर्ष, इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार उत्तरदायी रहे होंगे, मींस कि अंदाज़ा लगाया गया, ऐसा नहीं कि वहाँ देखा और उन्होंने बताया, अंदाज़ा लगाया। कालीबंगा, राखी गढ़ी, धौलावीरा पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल हैं। पूर्व मतलब पहले के, पूर्व मतलब पूर्व दिशा में। रंगपुर रोजदी उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो डिस्कस करेंगे। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कल इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर फिगर आउट करेंगे, जिसकी पीडीएफ जिसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।